पहल गोरखपुर एवं ब्लड बैंक बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के द्वारा बृहस्पतिवार को सीआरसी में आयोजित प्लाज्मा दान शिविर में कोविड 19 से जंग जीत चुके कोरोना योद्धाओं ने प्लाज्मा दान किया। प्लाज्मा दान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी केवजिन पांजन मौजूद रहे। आपको बता दें कोविड 19 के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा दान करने वाले कोरोना योद्धाओं के साथ जीएम केवजिन पांजन और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कोविड 19 कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी से स्वयं को स्वस्थ होकर प्लाज्मा दान कर अन्य लोगों को प्लाज्मा दान करने को प्रेरित किया और प्लाज्मा दान करने आए हुए लोगों का उत्साह वर्धन कर उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाधिकारी केवजिन पांजन ने सीआरसी में वृहद कैंप को संबोधित करते हुए प्लाज्मा दानदाताओं से कहा कि ऐसे कोरोना योद्धा जो संक्रमित होने के उपरांत ठीक हो चुके हैं उन्हें आगे आकर प्लाज्मा दान करना चाहिए ताकि उनके प्लाज्मा से अन्य संक्रमित व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल और जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा अच्छी बात है। अच्छी तो हाँ जी सर, आप डॉक्टर राय साहब के साथ क्या लगा रहे हैं? सर इतने दिमाग से आता है साहिबान जैन मैं साहब और
और यहाँ आए हुए असली कोरोना वॉरियर, सबको स्वागत करता हूँ। आपका जो काम है ये बहुत धैर्य का काम है, पुण्य का काम है और वाकई में ये त्याग का काम है। ये आप किसी का जान बचा रहे हैं, वाकई में आपका खून है, इससे कोई उदाहरण बेहतर हो नहीं सकता है। आप एक आदमी दूसरे आदमी की जान कैसे बचा रहे हैं, ऐसा ही भाईचारा बनाए रहेगा, ये कोरोना वोरोना हमें कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। मैं दो तीन चीज बताने चाहता हूँ ताकि कोरोना के बाद भी आफ्टर कोरोना हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना होता है, ऐसे नहीं एक बार आके चले जाएगा तो फिर इससे नजरअंदाज करें। ये इससे दो तीन चीजें, वैसे हम लोग स्वयं उसी खड़ी में गुजर के आए हैं, आप भी ऐसे तकलीफ उठाए होंगे। किसका कोरोना लोड ज्यादा है उनको जरूर बुखार आया होगा और तकलीफ रहा होगा, फिटिंग भी रहा होगा, धीरे धीरे वो जो थकावट है वो धीरे धीरे उतरता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, बिल्कुल दोबारा वैसे ही तेज से कूदने के लिए प्रयास ना करें, धीरे धीरे रिकवर करें, विटामिन सी जिंक इत्यादि ले लें। ये खून आप जो दे रहे हैं इसे सुबह हम भी खून दे के आया हूँ सैंपल चेक कराने के लिए। ये एंटीबॉडी चेक करना भी बहुत जरूरी है, ताकि क्या होता है कभी कभी हल्की किसी का आरटीपीसीआर में आया है हल्का जो वायरल लोड है वो फिर निकल गया, बहुत लोग एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, वो गलत फहमी में रह जाता है, भाई तो मुझे तो होके चला गया, डॉक्टर साहब ने बताया 6 महीने मुझे कुछ नहीं होगा, ये गलत फहमी है। ताकि किसी का दो के नीचे ये इस पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है उनको दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा है, अंत किसी का दो से ज़्यादा है उनका थोड़ा कम से कम तो 90 दिन के लिए एक ये कवच तो है। हमारा शरीर ही हम वाकई में हमारा शरीर ही जो वायरस को तो लड़के भगाया, ताकि जो कितने दवा आता है अभी तो WHO ने अभी रिसर्च में कह रहे थे इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जो रेमडेसिविर लगाते हैं फलाना झुकाना, आदमी का जो ताकत शक्ति है अंदर की इम्यूनिटी है उसी की वजह में इसके निकले। और क्या है हम लोग का बॉडी में ही एक अच्छा खूबी है, ये मेमोरी सेल कहते हैं इसका, इम्यूनोग्लोबुलिन मेमोरी सेल IgG IgM कहते हैं उसको, उसमें जो कितने भी जो वायरस हम लोग का अंदर आता है उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है। इसलिए तो हम लोग टीकाकरण लगाते हैं, वैसे हम लोग कितने टीकाकरण इसलिए सक्सेसफुल होता है, एक बार शरीर के अंदर एक बीमारी आ जाता है स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स, दोबारा वो शरीर तैयार हो जाता है उसको पहचानने के लिए, अपने दुश्मन को पहचानने के लिए। अब हम लोग मान के जा रहे हैं पहले हम लोग अंदर दुश्मन आ गया है, हम पहचान लिए होंगे, बट एक बार चेक करने के बाद ही पता चल जाता है। और दूसरा मैं आपसे आप ये भी आग्रह करता हूँ, फुल बॉडी टेस्ट एक बार कर लीजिएगा, ताकि कहीं कहीं कुछ लोगों का साइड इफेक्ट आगे भी होता है, ताकि किसी का फिब्रोसिस डेवलप हो जाता है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम और किसी का हार्ट का प्रॉब्लम, ताकि इसमें ना खून जम जाता है, साइटोकिन स्ट्राम कहते हैं उसको, उसी की वजह से मल्टी ऑर्गन का असर कर जाता है। इसलिए एक बार तो आप एंटीजन का एंटीबॉडी का टेस्ट तो कर रहे हैं, उसके आगे आप एक बार शरीर को पूरा चेक भी कर लें, और आगे आपके परिवार को भी आप सचेत रखने के लिए बता दीजिएगा। और ये लड़ाई और लंबी चलेगी, हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। अब तक गोरखपुर में 19,000 लोग इसमें संक्रमित होकर के निकल चुके हैं, पर 302 लोग कल तक मर गए थे, गुजर गए थे, उनको जान हम बचा नहीं पाए। आगे भी इस त्यौहार के मौसम में और भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आपको पहले एडवांस में कलेक्ट कर रहे हैं। वैसे इस समय में फातिमा में इनको जो ट्रीटमेंट का हम लोग शुरुआत किए हैं, BRD में मिशन तो अभी पहुँचने वाले जल्दी, वो आने पर 2 जगह हम लोग प्लाज्मा थेरेपी शुरू करते हैं। इस पर आपके माध्यम से प्रचार प्रसार कितने होता है उतने लोग आते हैं, वो मार्केट लेवल पे हम प्लाज्मा थेरेपी एडमिट करते हैं, उसका अच्छा असर पड़ता है। और आप हमारा साथ दिए हैं, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। हम आगे भी लड़ते हैं। कोरोना के विरुद्ध जो ये जंग लड़ रहे हैं इसमें बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं, अभी भी फैटलिटी हो रही है, गोरखपुर में 300 से अधिक डेथें हो चुकी हैं, तो प्रयास इस बात का है कि फैटलिटी कम से कम हो, जो पॉजिटिव हो चुके हैं उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और वो एंटीबॉडी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जो पॉजिटिव है उसके काम आ जाए और फैटलिटी को हम रोक पाएँ, इसी पूरी मिशन का उद्देश्य यही है। देखा गया है कई जगह पर प्लाज्मा डोनेशन ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और काफ़ी फर्टिलिटी को हमने इससे रोका गया है, तो यही प्रयास गोरखपुर में भी किया जा रहा है। DM सर भी क्योंकि पॉजिटिव हो गए हैं तो वो भी प्लाज्मा के लिए
आगे आए हैं, तो सारे लोग जो भी प्रशासन के हैं, बाकी हमारे जो डॉक्टर्स हैं इस मुहिम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सब प्रयास से कोशिश ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक प्लाज्मा पहुँचा के जो फर्टिलिटी है उसको हम कम से कम कर पाएँ और इस कोरोना के विरुद्ध जो जंग है उसमें सभी का सहयोग हम ले पाएँ, यही इसकी कोशिश है। सर, आप भी पॉजिटिव से लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी पीड़ा होती है सर, किस तरीके से आप ये कोरोना एक्चुअली जैसे हम शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी हम बताते रहते हैं कि सुरक्षा ही इसका बचाव है, जब तक कि कोई प्रभावी मेडिसिन इसमें नहीं आती है तो सब लोग मास्क लगाएं, दो गज की दूरी रखें, हाथ धोते रहें। इसके बाद भी अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो सोशल टैबू जैसे कहते हैं, लोगों को डर लगता है कि उनको छुआछूत की तरह अलग कर देंगे, वैसा ना करें, डरें नहीं लोग। जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना जल्दी आइसोलेट करके खुद को और बल्कि अपने परिवार को हम इसके संक्रमण को फैलने से बचा पाएंगे। तो जैसे ही किसी में थोड़ा सा भी सिम्टम आता है तुरंत जाके पहले अपनी जाँच करा ले, जाँच से फिर अपने को आइसोलेट कर ले ताकि खुद भी जल्दी रिकवर हो जाएगा और परिवार को भी रिकवर कर देगा। जैसे हमें पॉजिटिव हुए तो जैसे ही हमें सिम्टम आए तुरंत हमने जाँच करे, अपने को आइसोलेट कर लिया और हमारे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आए सबका टेस्ट कराया, नतीजा ये हुआ कि किसी को भी हमारी वजह से संक्रमण नहीं हुआ और हम भी जल्दी रिकवर हो गए क्योंकि हमने जल्दी हमें आइडेंटिफाई करके अपना इलाज ले लिया था। तो यही हम जो क्योंकि हमारे 22 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हम 7-5 मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं, 27 के माध्यम से डेली हम टेस्टिंग करा रहे हैं शहर के अलग अलग जगहों पर। वहाँ पर भी हम लोगों से ये कहते हैं कि जिसको भी सिम्टम है और जो भी पॉजिटिव के संपर्क में आए तुरंत जाके अपनी जाँच करा ले, डरने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हमें पता चल जाएगा उतना जल्दी इसका इलाज चालू हो जाएगा और उतना जल्दी हम रिकवर कर जाएंगे और लोगों में अपने परिवार के लोगों में इस संक्रमण को फैलने से बचा पाएंगे, यही हम कहना चाहेंगे। गोरखपुर में प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ हो गया है, बहुत लोगों को पता भी होगा इस पर, अब तक का तो 9 लोग का प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं हम लोग, 2-3 लोग उस पर रिकवर होकर घर भी चले गए हैं। आज सीतापुर आई हॉस्पिटल में 50 लोग उससे ऊपरी लोग आए हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स, असली वॉरियर्स कह सकते हैं उन लोग का, ताकि इन लोग संक्रमित होते हुए अभी निकले हैं वो 28 दिन के बाद 4 महीने के भीतर हम लोग उनका प्लाज्मा ले सकते हैं। प्लाज्मा में इनका यदि खून में एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसी से दूसरा आदमी से छड़ने से वो जल्दी रिकवर होकर निकल जाता है। अभी फिलहाल एक ही जगह फातिमा हॉस्पिटल में हमारा प्लाज्मा थेरेपी चल रहा, बीआरडी में मशीन तो 1-2 दिन में पहुंचने वाले हैं, वो आने के बाद बीआरडी में भी शुरू कर देंगे। अभी जनपद में 2 जगह हो जाएगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अभी ज़रूरत के हिसाब से, अभी मान लीजिए किसी का रेयर ब्लड ग्रुप है, ए बी नेगेटिव है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप का खून का ज़रूरत पड़ेगा। कोई पहले से यदि प्रभावित होते हुए यदि 28 दिन 1 महीने आपको बीत गया है देन कृपया करके हमें संपर्क करें ताकि आपको खून से बहुत सारे लोग का जान बचा सकते हैं हम लोग। ये आपके तरफ से मैं अपील कराना चाहता हूँ, मेरा तरफ से अपील कराना चाहता हूँ।